क्या बात है भैया? अरे तखने से हल्ला गुल्ला कर कहाँ रहे? थोड़ा बाबा के लिए व्यवस्था सुधरा था। अच्छा तोरा तोरी में काम तोड़ दो बाबू, बड़ा इन तू घुमा घुरा छे। मैं कहीं नहीं घूमता हूँ। सुन आज अपने गुरु महाराज जो बाबा है ना, अच्छा तुम्हें याद किया है क्या हमें? हाँ ठीक है चलो चलो। खुशी रहो, तुम्हारे पास से मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हारा आचरण खराब मुझे। क्योंकि तुम कहाँ रहते हो गुरुजी? मैं बहुत देर से मैं तुम्हें बुला रहा था, इसी में कुछ जंगल में चले गया था कुछ लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए। तुम ऐसे करो जाओ गंगा जी, गंगा जल लेके आओ तुरंत अभी। गुरुजी क्या कहते हैं, शहर में जाओ आज लोटा में जल भर के लाओ और धोनी क्या चीज से लगाइएगा धोनी। रे सुन रे छोरा, आज से काम बांट ले, आज से बाबा का काम बटा जाएगा दोनों चेला के सामने। कैसे कैसे? तू जो गंगा किनार पानी लाने के जाऊ, पानी भर के लेके आ। अच्छा आप मैं जो खड़ी बल जंगल में से चंदन की लकड़ी ला मिला बाबा जी आके जरा कर रख दे। गुरु जी को जलाना नहीं है? अरे खबर करेंगे, धोनी लगानी है धोनी। हाँ मैं जल भर के लाऊ, तुम जाओ गंगा किनारे जल भर के लाने के लिए। ठीक है मैं जाता हूँ जंगल से खजूर की डली तोड़ के लाने के लिए। दोनों भाई चलो और बाबा गुरु जी यही कुटिया पर है। कुटिया में नहीं कुटिया में, एक कुटिया में गुरु जी रहेंगे और दोनों भाई चलो। हमरा कुटिया कहा जाए, मैं गंगा स्नान करके जल भर के लाऊंगा और तुम लेकर तोड़ के ए धोनी गिरी लाओ। तो जोरो दोस्त क्या के लिए जाओ? ठीक है जाओ। हेलो हम जा रहे जंगल में लक के लिए। योद्धा कह गया तुम, अरे हो जा रहा है जाल लाने के लिए, तुम बैठो यहाँ। हम जा रहे लक्कर तुर कलाने की, हम एक भजन सुनाओ। तो हम भजन खाके भी नहीं करिए, भजन कहाँ से करोगे? भजन सुनाओ कहियो अभी नहीं बाद में। अरे बहुदा एक बात सुनो,
एक बात हमारी बात तुम्हें मार लग जाएगा नीचे उतर के मारूंगा चार्ज में एक फिर देखो इस कुटिया पर एक औरत आ गई है उसको निगरानी करो हम क्या पता आज कौन है से? बता मैं उसी दिन से मेरी याद जा रही है कोई औरत ऐसी कुटिया पर नहीं आना चाहिए वस्त्र तुम्हारे भीगा हुआ है ये ठंडी का मौसम है इस ठंडी के मौसम में ये भीगे हुए कपड़ा पहन के यहाँ क्यों आई हो बाबा विपत्त के मारे आई हूँ आपके पास विपत्त के मारे आए हो हाँ बाबा क्या विपत्त है बताओ नहीं नहीं बाबा मैं ऐसे नहीं बताऊंगी पहले हमारे साथ सब कीजिए उसके बाद में बताऊंगी भला बताइए जो भी है हमसे सब नहीं करवाते ठीक है एक साथ दो साथ तीसरा साथ ना करो असली कुंडल पर बोलो आहो दहिरा बच्चे मेरे नैहर राज मोरंग में पड़ता है मेरे ससुराल राज महाबा मेरे ससुर के नाम बिरजाधर सिंह है मेरे सास के नाम रानी देवला मेरे स्वामी जी के नाम मैं कैसे बता सकती हूँ मेरा ही नाम
रानी फुलक जाती हो। इसका मतलब इससे पहले एक बार तुम्हें आई थी? नहीं आई थी। फिर तुम्हारे ऊपर क्या कैसी फिर तू दोबारा फिर आ गई है? मैं बताऊं? बोलो आहो दाई जा बालक दीजिए। बच्चा माता तुम्हें खराब है। मैं बार बार बच्चा में घास लाऊं। एक बार तुम्हें मैं अपने तपस्या बल से मैंने तुम्हें एक बच्चे दिया है, फिर बच्चा लेने के लिए आया। मेरे पास बच्चा अब नहीं है। क्या आपके पास नहीं है? लौट जाओ, मुझे बालक दीजिए। हाँ मेरे बालक, मैं तो कह दिया मैं तुम्हें बच्चा चुरा के लाया हूँ। तुम्हें क्या करके ले हो? बच्चा कहाँ से दो? मुझे बालक दीजिए ना बाबा। चलो एक शब्द में तू नहीं बोलो। मैं मेरे पास दो चेला है। कि आपकी बात ओ गंगा जल लेने के लिए गया है, उसमें मेरा भी एक बालक है। हाँ उसकी आने दो, उसके बाद तुम्हें कुछ कहूंगा। बैठो तू चल। भाई हाँ छोटा भाई, कुछ दिख रहा है? हमें तो दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? एक कुटिया में गुरुजी किसको रखे? चलो we'll be right back.
ये दादी तपाते हमारा के एक कुटिया के अंदर ये नारी की खुशी। अरे अरे छोटा भैया भाई दोनों क्या विचार कर रहे हैं? गुरुजी मैं विचार किसी ने किया हो जो मैं खुद किया तुम लोग सन की धरा हो काले के मतलब क्या मतलब ये जे कुटिया में तीन आदमी थे और एक चौथा कहां से आ गया वो नारी इनको हर हर रात का घरे घरे में बजा रहे हैं यही लोगो हां की साथ में रहते हो क्या महात्मा को तुम शिष्य हो यही कमी है सोचने सोचन शक्ति की कमी है सोचन शक्ति गुरु जी कम नहीं है क्योंकि तो मंदिर मंदिर पर मैं ही पुजारी हूँ साथ साथ तुम लोग ही पुजारी हेलो हमारे चंदन जी आप जहाँ कहीं होंगे कृपया स्टेज के पास आने कष्ट कीजिएगा चंदन जी बच्चे ए हमारे चेली नहीं है ये कौन है तुम हमारी बात सुनोगे दोनों तब तो तुम दोनों तो अपने विकराल रूप बनाए हैं बाबा तुम्हारे बहुत बाबा ए बाबा बुढ़ी महात्मा जो भी पूछ रहा उससे जवाब दो एक कुटिया के अंदर वो कोसी चेली के रखी है इतिहास तुम लोगों में कमी हमारी बात सुनोगे तब तो क्योंकि बच्चे गुस्साने का कोई ऐ सुनो तुम ही आओ इधर ए कोई अभ्यागत है कोई मुसीबत हमारे आया है इसका बच्चा खो गया है किसी ने दुश्मन इसमें फकवा दिया यानी खो गया है अच्छा इसलिए भटकते भटकते मेरे कुटिया पर आया है ये पता लगाने के लिए
जो बाबा के कुटिया बन जाते हैं, हो सकते बाबा अंतर जामी है, हमें कोई बता दे। इसलिए भैया एक गुरु जी बहना खेले है, ये तो सही बात है। ये बात है ना, हाँ कि अभी आज बोल रही ये बात नहीं है, वो बात ना है अगर मोदी है। एक तो बाबा ने बताया था, बाबा बताते मोदी की घर वाली कनिया है। गुरु जी सच्चा बता दो या नहीं, तो जो दस साल का होगा वो मैं पूरा करूंगा। चलिया हो बाबा हो लई लई मोतिया है, ऐसा करो मुझे है। तुम लोग मट्टी तेल लेके ला हमको अगल अगल। क्यों नहीं, ये कुटिया के अंदर नारी कौन है? हाँ मैं तुमको पहले बता दिया हूँ, यही से बच्चे को खो गया है, यानी खो गया क्या हुआ नहीं हुआ ये पता लगाते लगाते गए हमारे कुटिया पर आया है। मैंने हमारे पास दो चेला है, ओ गंगा किनारे चले गया है, आया है तुम्हें बताऊंगा और पहचानना मेरे पुत्र कौन है। नहीं 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 बाबा, क्या वो आपके पास सत करवा चुका है? सत करा लिया है कि आप हमारे लड़का का चुरा कर ले आए? ठीक है बाबा, अगर इसी बात है तो इसको परीक्षा लिया जाएगा। कहिए बाबा, यही मेरा दोस्त है, तुम अगर पहचानते हो तो पहचान कर। मैं नहीं पहचान पहचानती हो। ठीक है, ए दो चेला है मेरे, तुम अपने स्तर पर आयता स्तर पर आपने कपड़े लगाए हैं और आपकी स्तर से अगर किसी दोनों में से किसी का बच्चे को मुख में दूध पड़ गया वही तुम्हारा पुत्र हो। बाबा खेलने के लिए तैयार हो? Thank you.
करना। उधर बताओ बाबा बेटा। सचमुच उसका बेटा। तब से तुम हम दोनों हम सब कितना परेशानी कर रहे थे। माँ मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। कोई बात नहीं है, कुछ तुम टेंशन मत लो। माँ तुम लथा रही। नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल। ठीक है माँ, इस बात में भूल जाता हूँ। और आज से एक कुटिया पे दोनों माँ बेटा मिलके और बाबा के साथ रहना है। ठीक है बेटा। बच्चे अब तो तुम्हारे माँ मिल गई। एक कुटिया पर रहो। घनघोर जंगल है, बड़े बड़े इसमें जानवर रहता है। क्यों नहीं तुम घूमने चले जाएगा तो खा